हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शूट माय स्टाइल ब्लॉग में। आज हम आपको दिखाने आए हैं सिंगेरियम बीच। और सिंगेरियम जो बीच है ये ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि बागा बीच, उसके बाद कलंगुट बीच, और उसके बाद आता है अपना कांदेलम बीच, और उसके बाद जो आता है वो आता है सिंगेरियम बीच। तो ये एक लास्ट बीच है उस पूरी रोड का, और आज हम आपको पूरा विजिट कराएंगे सिंगेरियम बीच। तो आइए चलते हैं। तो गाइस, अभी आप देख रहे हैं, अभी हम पहुंच गए हैं सिंगेरियम बीच पर। इस बीच पर बहुत सारे शख्स के साथ साथ आपको इस तरह की एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे झूला झूलने है मैडम, तो आपको झूला झूलने के लिए भी इस तरह की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। हम अभी बिल्कुल लास्ट में आए हैं, तो वीडियो को ये देख के बिल्कुल मत निकल जाना कि ये बीच बहुत सुनसान है, यहाँ कुछ देखने के लिए नहीं है। इस वीडियो में तो कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा। हम आपको अभी ठीक 3 मिनट के बाद जो आगे का नज़ारा दिखाने वाले हैं वो हम आपको दिखाएंगे, स्टार्टिंग ऑफ सिंगेरियम बीच। बट मैं लास्ट में इसलिए आ गया हूँ क्योंकि मैं आपको एक ओवरऑल नज़ारा दिखाना चाहता था कि सिंगेरियम बीच जो रहता है वो किस तरफ क्राउडेड और किस तरफ लेस क्राउडेड रहता है। तो आप देख रहे हैं अभी हम सिंगेरियम बीच पर, और सिंगेरियम जो बीच है ये एक बहुत लोकप्रिय समुद्र तट है जो भारत के उत्तर साइड में पड़ता है, मतलब नॉर्थ गोवा में पड़ता है। ये समुंदर सोने की रेत जैसा एकदम स्पष्ट जल और अरब सागर के समंदर नज़ारों के लिए जाना जाता है। ये अगवाड़ा फोर्ट के बिल्कुल लगा हुआ है, मतलब अगर आप अगवाड़ा फोर्ट भी घूमने के लिए आते हैं तो आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि अगवाड़ा फोर्ट और सिंगेरियम बीच इज अ वन प्लेस। तो अभी जो यहाँ का नज़ारा है वो बहुत सुंदर है, और ये जो सिंगेरियम बीच है ये ऐतिहासिक फोर्ट जो अगवाड़ा है उससे पूरा घिरा हुआ है। शेक्स के साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जैसे फिश हट है, आप यहाँ पर आराम से ड्रिंक्स खाना पीना कर सकते हैं। लोग यहाँ पे वॉकिंग करते रहते हैं, चाहे वो इंडियंस हो चाहे फॉरनर्स हो। सिंगेरियम बीच जो है वो तैराकी, सूरज तकिया और पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग और बनाना बोट राइड जैसी विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स राइड्स के लिए भी पॉपुलर है। यहाँ पर राइड्स होती हैं, और साथ ही साथ कई शौक और रेस्तरा भी यहाँ पर मौजूद हैं जो जहाँ पर आप अपना स्वादिष्ट भोजन, गोवा का भोजन खा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं लहरें जो हैं कितनी क्लियर है। सिंगेरियम बीच की जो खासियत है वो बेसिकली ये है कि आप यहाँ पर जब आएंगे तो आपको बहुत सुंदर रेत के साथ साथ बहुत क्लियर क्रिस्टल वाटर और शांति मिलने वाली है, क्योंकि ये जो बीच है ये अगवाड़ा फोर्ट की तरफ तो काफ़ी क्राउडेड रहता है, लेकिन जिस तरफ अभी हम आए हैं इस तरफ को हम काफ़ी थोड़ा आगे तक चलते चले आए, सो दैट कि हम आपको दूर तक के नज़ारे भी दिखा पाएँ और आपको एक पूरा व्यू दे पाएँ कि सिंगेरियम बीच जो है वो कैसा लगता है और कैसा आपको फील होगा अगर आप खुद यहाँ पर विजिट करते हैं। तो सिंगेरियम बीच जो है वो गोवा में एक अनिवार्य दर्शनीय स्थल है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ पे अगर आते हैं तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए, ये हमारी रिकमेंडेशन रहेगी। और ये बहुत ही, क्योंकि बहुत प्यारा बीच है तो ये बहुत ही सुंदर हमें लगता है यहाँ पर, और हम जब भी गोवा आते हैं तो हम एक बार अगवाड़ा फोर्ट तो ज़रूर ही आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ग्रीनरी से लेस, बैक साइड में आप देख रहे होंगे जो पेड़ पौधे कितनी लास्ट तक लंबाई तक आपको दिख रहे हैं, मतलब यहाँ हम अभी खड़े हैं और जो इससे पहले का जो बीच है, मतलब सामने वहाँ पड़ेगा कांदेलम बीच, और कांदेलम बीच के बाद आपको पड़ेगा कलंगुट बीच, और कलंगुट बीच के जो बाद पड़ेगा वो पड़ेगा आपका बागा बीच। बट नो डाउट कि यहाँ से आपको बागा बीच तक जाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो ये जो बीचेस हैं ये आपस में सब लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो बीचेस हैं वो कितने क्लियर क्रिस्टल हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, माँ बाप भी बैठे हुए हैं, और इस तरीके का जो नज़ारा है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फेमस रहता है। यहाँ की हमें सबसे अच्छी जो लगी वो लगी हमें यहाँ की बालू, जो बहुत क्लियर और क्रिस्टल है। तो आइए अब हम चलते हैं उस तरफ जहाँ पर अगवाड़ा फोर्ट की एंट्री होती है, और नज़ारे आपको थोड़े से क्राउडेड मिलेंगे। तो देखिए, सामने आप जो देख रहे हैं वो आपको अगवाड़ा फोर्ट नज़र आ रहा होगा, जो ब्लैक कलर की एक बॉल आपको पेड़ों के नीचे नज़र आ रही है वो अगवाड़ा फोर्ट है, और यहाँ आपको काफ़ी क्राउड मिल जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर एक सामने फैमिली आई हुई है पीले रंग के आउटफिट्स पहनकर, रेड कलर के आउटफिट्स पहनकर। तो ये एक फैमिली है, सरदार फैमिली, जो यहाँ पर आई हुई है घूमने के लिए, हमने इनको देखा,
और इनके साथ में जो बाकी और लोग थे वो पीछे कुछ रेत में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ बना रहे थे, मतलब घर बना रहे थे। तो इस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं और बहुत ही यहाँ पर मज़े लेते हैं। आप देखिए आराम से यहाँ पर आपको शेक मिल जाएंगे, आप शेक पर बैठ सकते हैं। ये सामने यहाँ पर आपको एक लॉज भी मिल जाएगा, और ये जो लॉज था हम इसके अंदर गए थे, काफ़ी अच्छा और प्यारा लॉज था। और आप जब भी यहाँ पे विज़िट करते हैं तो एक बार आप भी यहाँ पर अंदर का सिनेरियो देख के आप इसको ले सकते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा ये। तो आप सामने देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो समंदर के किनारे अपने पैरों पर जो समंदर की ठंडी ठंडा जो पानी आ रहा है बेसिकली उससे मज़े ले रहे हैं। एक अच्छी फीलिंग आती है जब आपके पैरों पे समुद्र का पानी आता है, तो ये जो फील होते हैं ये बेसिकली साल में जब आप एक या दो बार ऐसी जगह घूमने आते हैं तो अपने आप में एक बहुत, मैं कहूँगा कि एक स्पेशल फीलिंग होती है जो साल भर में आप कभी नहीं लेते। ये आपकी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव वेव्स लाती है, जैसे समुंदर से ये वेव्स आती हैं वैसे ही ये वेव्स आपके बॉडी आपके माइंड के अंदर एक पॉजिटिव वेव्स लाती हैं। तो आप देख रहे हैं वेव्स कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी क्लियर ऑर्केस्ट्रल है। तो यहाँ पर जब भी आप आते हैं तो आप यहाँ पर दो विजिट कर सकते हैं, एक सिंक्वेरियम बीच पे विजिट कर सकते हैं, दूसरा आप सामने जो अगवाड़ा फोर्ट है वहाँ कर सकते हैं। अगवाड़ा फोर्ट के बैक साइड में आप जो ग्रीनरी देख रहे हैं वो ताज रिजॉर्ट है, ताज रिजॉर्ट पर भी आप स्टे कर सकते हैं। इवन दो ताज रिजॉर्ट होते हैं तो काफ़ी कॉस्टली मतलब रिजॉर्ट होते हैं, स्टे होते हैं, तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। मतलब आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अगवाड़ा फोर्ट अगर आ रहे हैं या सिंक्वेरियम बीच आ रहे हैं तो आप ताज रिजॉर्ट भी स्टे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नज़ारे जो हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने क्लियर क्रिस्टल हैं, लोग टहल रहे हैं अपनी बदमस्ती में मस्त हैं। तो इस तरीके से शाम को जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यही जो रिजॉर्ट हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, ये आपको फुल लाइटिंग के साथ मिलते हैं, नियॉन लाइटिंग के साथ मिलते हैं। तो रात का जो नज़ारा यहाँ का होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको रात के नज़ारे भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि लोग रात को भी आपको यहाँ 8-9-10 बजे तक लोग यहाँ पे वॉकिंग करते हुए आपको मिल जाएंगे बीच के साइड पर। और ऐसा कुछ भी नहीं है, गोवा की सबसे अच्छी जो खासियत है वो ये है कि आप यहाँ पर बीच के साइड में आप रात के 2 बजे 3 बजे आप कितने बजे भी आप यहाँ पे टहलिए, कोई डर नहीं है कुछ नहीं। चाहे आप अकेले टहलिए, चाहे आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चाहे आप कपल के साथ कर रहे हैं, फैमिली के साथ कर रहे हैं, यहाँ पर इस बात का डर बिल्कुल भी नहीं रहता है कि आपके साथ कभी कोई यहाँ पे समस्या होगी अगर आप अकेले यहाँ पे टहल रहे हैं तो। गोन जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आदत के आपके सपोर्टिव होते हैं, आपकी हमेशा सपोर्ट ही करते हैं। तो देखिएगा इस नज़ारे सिंक्वेरियम बीच के। ये जो साइड में आप वॉल देख रहे हैं राइट साइड में, ये वॉल मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब यहाँ पर फोटो शूट आप करा सकते हैं, जो जस्ट अभी साइड में निकल के गई, और हमने भी यहाँ पे काफ़ी सारे फोटो शूट कराए थे और हमें बहुत अच्छे लगे अपने शूट्स, क्योंकि यहाँ पर जो एक कहते हैं ना वेदर यहाँ पे, यहाँ के वेदर में पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो फोटो आपके आते हैं वो बहुत क्लियर आते हैं। सुनने में ये चीज़ ज़रूर अजीब सी लगेगी कि वेदर क्लियर है इसलिए फ़ोटो अच्छे आ रहे हैं, बट नो डाउट आप अगर, हम क्योंकि दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि आप कभी भी फ़ोटो क्लिक कराते हैं तो फ़ोटो बहुत अच्छे आते हैं नो डाउट। लेकिन एक होता है ना कि एक बैकग्राउंड, क्योंकि जहाँ पर ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है, वहाँ फॉरेन कंट्रीज़ के फ़ोटो क्यों अच्छे आते हैं, हमें क्यों लगता है कि हर चीज़ अपने आप में क्लियर क्रिस्टल नज़र आ रही है, जो कलर से अपने आप में बहुत ब्राइट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन का फ़र्क होता, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर एकदम फ्रेश एयर लेने को मिलती है, बहुत क्लियर आपका एकदम विजन रहता है जब तक आप यहाँ पे घूमते हैं गोवा में। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत माइंड पॉजिटिव करती हैं आपका। और सिंक्वेरियम बीच जब हम यहाँ पे आए तो हमें सीरियसली यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। देखिए हमने आपको बताया था कि सामने अगवाड़ा फोर्ट, तो सामने अगवाड़ा फोर्ट आपको नज़र आ रहा होगा अभी, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अगवाड़ा फोर्ट पर आएगा और हम आपको अगवाड़ा फोर्ट के बारे में भी बताएंगे। सो गाइस बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत एफर्ट्स करते हैं आप तक वीडियो लाने के लिए, आपको चीज़ें बताने के लिए। तो हम आशा रखते हैं कि अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो ऑब्वियसली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारे वीडियो को लाइक भी करें। तो गाइस मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में, बी कंटिन्यू विद माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय।